हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल वेजिटेबल मैक्रोनी। इसे आप ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स दोनों में खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वेजिटेबल मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम मैक्रोनी, 100 ग्राम मटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए, आधा चम्मच जीरा, 2 पैकेट मैगी मसाला, चाट मसाला आधा चम्मच, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कुकिंग ऑयल 3 से 4 चम्मच। अब हम सबसे पहले गैस जला लेंगे और बॉइलिंग पैन में पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी यूज़ किया है। पानी को हम गर्म होने देंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तभी इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी उबालते समय हम तेल इसलिए डालते हैं ताकि मैक्रोनी चिपके नहीं। मैक्रोनी को हम 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे और याद रखें इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैक्रोनी हमारी पूरी तरह उबल चुकी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, सारी अलग अलग है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मैक्रोनी को छान लेंगे। मैक्रोनी को हम स्ट्रेनर में छान लेंगे इस तरीके से। मैक्रोनी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे। पैन में हम तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच तेल डालूँगी। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा को हम कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च को भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को हम मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम मटर डालेंगे। मटर को भी हम मिक्स कर लेंगे। मैंने ये फ्रोजन मटर लिया है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे 5 मिनट के लिए पका लूँगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी ऑप्शनल है। अगर आपको मैक्रोनी में हल्दी नहीं पसंद है तो आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी को यहाँ पर मैंने कलर के लिए डाला है, इससे मैक्रोनी अट्रैक्टिव दिखेगी। हल्दी को मिक्स करते हुए उसे कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी बच्चों को बहुत पसंद होती है तो हम मैक्रोनी को और भी हेल्दी बनाने के लिए उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे बेबी कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, ये सब वेजिटेबल हम इसमें डाल सकते हैं। मैक्रोनी को हम एक हेल्दी मील बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। ध्यान रखें हम नमक मैक्रोनी को उबालते वक्त भी डाल चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह पक चुका है। अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। मैंने ये 2 पैकेट मैगी मसाला डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें मैक्रोनी मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैगी मसाला से मैक्रोनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसमें मैगी मसाला ही डालें। अब इसमें हम उबली हुई मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। ये मैक्रोनी हमारी पूरी तरह मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है।
अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला डालने से मैक्रोनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे और इसे हम ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है। इसे आप और भी हेल्दी बना सकते हैं और भी ज़्यादा वेजिटेबल डाल के, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई मैक्रोनी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।